स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम है चौकी शर्मा। आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ दो महत्वपूर्ण पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो कि आपके फिजिक्स 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए भी जरूरी है और आने वाले जो आपका 2024 का फिजिक्स बोर्ड एग्जाम है उसके लिए भी आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना। जैसा कि आपको स्टूडेंट्स पता है कि आपका फिजिक्स बोर्ड एग्जाम 4 मार्च 2024 को सीबीएसई बोर्ड द्वारा अरेंज हुआ था। बहुत ज्यादा मात्रा में बच्चों ने पेपर में प्रतिभाग किया था, ठीक है, और बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स का ये कहना था कि पेपर इस बार का स्टूडेंट टफ बना है। खास तौर से स्टूडेंट्स ज्यादातर मानते हैं स्टूडेंट सेट 3 की, जो कि आपको मैंने अपनी ऑलरेडी वीडियो से बता रखा था, पहले से मैंने आपको आग्रह कर रखा था कि जो ये सेट 3 स्टूडेंट्स बनता है वो स्टूडेंट्स ऑलरेडी क्या बनाया जाता है, टफ ही बनाया जाता है, क्योंकि उसमें थोड़े से घुमा के स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि बच्चा जो है इजिली क्वेश्चन अटेम्प्ट ना कर सके। लेकिन सेट 1 और सेट 2 काफी हद तक, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि बहुत आसान होते हैं, लेकिन सेट 3 के कंपेरिजन में कुछ हद तक स्टूडेंट आसान होते हैं। तो स्टूडेंट टाइटल से समझ सकते हैं कि फिजिक्स 2024 बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट टिप्स और फिजिक्स 2025 हो जाओ सावधान के लिए भी मैं आपसे कुछ 4 से 5 मिनट से 5 से 6 मिनट की आपसे बात करूंगा। निवेदन करता हूँ आपको बहुत ध्यान से सुनना है। तो जैसा कि मैंने जिन स्टूडेंट से बात करी है तो उन्होंने स्टूडेंट्स ये बताया है कि पेपर स्टूडेंट्स मतलब टफ आया था फिजिक्स का, काफी स्टूडेंट्स लेंथी था, तो हम लोगों ने 3 घंटे कैसे हम लोगों ने वहां पे व्यतीत करें स्टूडेंट्स हम ही लोगों को पता है। तो स्टूडेंट बाकी स्टूडेंट्स का कहना ये भी था स्टूडेंट्स, और ये भी बहुत ज्यादा स्टूडेंट ने कहा कि सर हमने तो प्रीवियस ईयर लगाए थे जिनको आप शॉर्ट फॉर्म में कहते मेरे भाई PYQ, हमने तो सर 5 साल के 6 साल के लगाए थे। कोई कोई तो कह रहा है सर ने 10-10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाए थे और मैं उनको तैयारी करके गया था और मुझसे टीचर्स ने कहा था कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं पिछले 10 साल के तो आप बहुत इजिली आपके 70/70 आ जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट मैं आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मेरे भाई कभी भी फिजिक्स का पेपर नहीं बनता है। कहेंगे सर अरे आप तो नई बातें बता रहे हैं, मैंने आपको ऑलरेडी स्टूडेंट बता रखा था कि आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर से स्टूडेंट्स क्या करा जाता है, प्रीवियस ईयर से मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ आइडिया लिया जाता है कि हाँ किस प्रकार के ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसे हमारे इतने क्वेश्चन एमसीक्यू होते हैं, इतने क्वेश्चन लॉन्ग होते हैं, इतने क्वेश्चन शॉर्ट होते हैं, इतने क्वेश्चन वेरी शॉर्ट होते हैं और ऐसे केस स्टडी इन इन टॉपिक्स से पूछे जाते हैं। तो एकमात्र हम लोगों को एक तरह से उसका कंस्ट्रक्शन कर लेना होता है, ना कि सिर्फ और सिर्फ आप प्रीवियस ईयर पे डिपेंड हो जाते हैं। और जो जो स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर पे डिपेंड रहे होंगे उनका एग्जाम स्टूडेंट्स अच्छा नहीं हुआ है। जैसा कि स्टूडेंट जो हमारे जो फ्रेंड भी थे और जो हमसे पढ़ते भी फिजिक्स है उन्होंने भी यही बताया है कि सर जो आपने इंपॉर्टेंट बताया था उसमें तो स्टूडेंट फंस गया, लेकिन प्रीवियस ईयर स्टूडेंट्स आपसे मैंने अपने ऑलरेडी वीडियो बता चुके हैं और जो भी 2025 का एग्जाम देने जा रहे हैं उनसे मैं निवेदन करता हूं कि सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर पे डिपेंड ना रहे, क्योंकि प्रीवियस ईयर से स्टूडेंट कभी भी फिजिक्स का पेपर नहीं बनता है और ना ही कभी बनेगा। क्योंकि आप कुछ सोचिए स्टूडेंट्स, अगर फिजिक्स प्रीवियस ईयर से अगर स्टूडेंट पेपर बनने लगे तो ऐसे स्टूडेंट पता नहीं कितनी सारी बुक्स आती है, स्टूडेंट अगर 10 साल के अब 8 साल के प्रीवियस ईयर 5 साल के प्रीवियस ईयर कर ले तो उसके 70/70 आ जाएंगे, ऐसा स्टूडेंट कभी पॉसिबल होता ही नहीं है। फिजिक्स का पेपर बनने का स्टूडेंट एक माइंड सेट हम आपको अभी से ही बता दे रहे हैं, उसी पे आपको फॉलो करना है जो आपके फेवरेट क्वेश्चन है। फेवरेट क्वेश्चन अगर हम उसकी दूसरी बात करें, फेवरेट से भी ऊपर वर्ड होता है स्टूडेंट टॉप क्वेश्चन, जो कि फिजिक्स का जब भी पेपर है 50 से 55 क्वेश्चन ऐसे टॉप क्वेश्चन होते हैं जो कि आने ही आने हैं। जैसे कि अगर हम आपको छोटा सा एग्जाम्पल देंगे, ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया था अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कि ऐसे जनरेटर आपका सिलेबस में है नहीं, तो मान के चलिए 100 मान के चलिए क्या, उसमें मैंने ये कहा था कि 100% ऐसे बोला था कि 100% गारंटी है कि ट्रांसफार्मर आपसे हुबाहू पूछा जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन आपके हुबाहू रेडी मिलेंगे आपको, आप बस आइएगा लिख के चले आइएगा। एक बात और, मैंने गॉस लॉ का स्टूडेंट्स कहा था आपकी बार आया आउटसाइड और इनसाइड का दोनों केसेस तो आप प्रूफ करके दिखाइए, अगली बार क्या करेंगे, अगली बार आप देखिएगा 2025 में किसी ना किसी एक सेट में मैं अभी से गारंटी, आज आप तारीख आप देख लीजिए 6 मार्च 2024 है, जब भी आपका आपका 4 मार्च या 5 मार्च को इसी डेट में एग्जाम पड़ता है आप देख लीजिएगा किसी ना किसी सेट में गॉस लॉ होगा प्रूफ करने के लिए, और हल्का सा एप्लीकेशन लगा देंगे उसमें से इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो एक क्वेश्चन आपको मैंने अभी बता दिया है और दूसरा क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं बायोसेवर्ट लॉ, ये क्वेश्चन दो आप जरूर करके जाए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन गारंटी मैं देता हूँ गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन आता ही आता है। तो मैं निवेदन करता हूँ आपसे कि कभी भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे कभी भी आप बिलीव ना करें, सिर्फ और सिर्फ आप अपने एक आइडिया लेकर चले। ऐसे बहुत स्टूडेंट ने कहा कि सर हमने प्रीवियस ईयर लगाया था, हमने ये देखा था लगा के, हमने वो देखा था लगा के, हमने प्रीवियस ईयर के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन स्किल्स अपनी करी थी, नहीं भाई तो आपने गलत रास्ते पे आप चले थे, हमेशा प्रीवियस ईयर से अभी मैंने फिर से का आइडिया लिया जाता है। जो आपके टॉप क्वेश्चंस होते हैं गॉस और मैग्नेटिक मटेरियल से पैरामैग्नेटिक वाले जो कुछ ऐसे क्वेश्चंस है गैल्वेनोमीटर जो कि आपको मैंने बताया था अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी कि अगर ऐसे क्वेश्चन पेपर में मेरे भाई ना दिए जाए तो फिजिक्स का पेपर बनने का कोई मतलब नहीं होता। गॉस लॉ ना पूछा जाता इसका मतलब ये कि पेपर कोई मतलब नहीं है फिर, है ना। तो निवेदन करता हूं मैं आपसे ऐसे जो टॉप क्वेश्चन जो कि बिल्कुल मक्खन सवाल जिन्हें हम लोग कहते हैं जो कि स्टूडेंट्स आते ही आते हैं, मैंने 2024 के लिए स्टूडेंट वीडियो बनाई थी और साथ ही साथ
2025 का भी जो एग्जाम आएगा उसके लिए भी मैं स्टूडेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाऊंगा, और मैं गारंटी देता हूं स्टूडेंट, जो कि हमारा पेपर इस बार भी फंसा है, 2025 में भी स्टूडेंट जो हमारे टॉपिक्स हैं उन्हीं में से उठाया जाएगा। इससे पहले वीडियो में मैंने 20-25 टॉपिक्स लिखे हुए थे कि इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हमारे इस वीडियो में आपसे बताने का मतलब यह था कि सिर्फ और सिर्फ आप प्रीवियस ईयर पर डिपेंड ना हो, ठीक है, आप अपने फेवरेट क्वेश्चन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। और आपसे मैंने ये भी स्टूडेंट्स कहा था कि जितना आप लिखेंगे उतना बेहतर बनेंगे। हमेशा स्टूडेंट्स अपनी प्रैक्टिस और अपनी रिप्रेजेंटेशन स्किल्स पे आपको हमेशा तरीके से भर करना है। जब भी फिजिक्स का एग्जाम हो स्टूडेंट्स, आपको रिप्रेजेंटेशन स्किल्स आपकी देखी जाती है, ठीक है, आपका लिखने का कैसा तरीका है वो स्टूडेंट्स आपका देखा जाता है, और कैसे आपने अपने आंसर को रिप्रेजेंट किया वो भी मैंने अपने सभी वीडियो से बता रखा था। तो मैं इस वीडियो में आपसे सिर्फ इतना सा कहने आया था कि आपको अगले पेपर में जो आप 2024 के जितने भी स्टूडेंट्स है, करीब बहुत देर 25-30 स्टूडेंट ने कहा कि सर हमने प्रीवियस ईयर लगाया था, पूरा लगाया था, 10 साल लगाया था, तो हमने कहा इसके अलावा तुमने कुछ पढ़ा था, कर नहीं सर इसके अलावा सुपर ऊपर कुछ टॉपिक्स देखे थे, बाकी मैंने ऑलरेडी पूरा प्रीवियस ईयर चार्ट भी किया था, उसमें सर मुझे कुछ नहीं मिला। तो स्टूडेंट हम आपको अभी से बता देते कि प्रीवियस ईयर से ना कभी फिजिक्स का पेपर बना है और ना ही कभी आगे चल के फिजिक्स का पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बनेगा। बहुत बड़ी बात स्टूडेंट्स मैंने कह दी है, और ये आप जितना जल्दी समझ जाओ उतना ज्यादा बढ़िया। सिर्फ मैंने अभी आपसे कह दिया, आप आइडिया ले सकते हैं कि जी नहीं कि आपको 10 साल के पेपर आप रट रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी में है कि मेरे 70/70 आ जाएंगे। सिर्फ आप आइडिया लीजिए कि यहाँ 70 नंबर का पेपर होता है, 30 नंबर की थ्योरी होती है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी स्टूडेंट्स कहना था कि यार 30 नंबर है सर, हम तो जे फाइव बन पाए गए, हमसे वो फाइव बन पाए गए, जे असाइनमेंट करवाए गए। जितने भी स्टूडेंट बढ़िया स्कूल होते हैं वो स्टूडेंट्स कभी नहीं चाहेंगे कि आप हमेशा इतना ज्यादा वर्क करें, वो आपसे हमेशा सीधे सीधे ये कह देंगे कि आप अपनी थ्योरी पर ध्यान दीजिए, बाकी जो हमारे 30 नंबर है वो स्टूडेंट्स, क्योंकि कोई भी अच्छा स्कूल होगा वो कभी स्टूडेंट नहीं चाहेगा कि हमारे जो 30 नंबर सभी के स्कूल के हाथ में होते हैं, तो 30 नंबर स्टूडेंट को कभी नहीं चाहेगा कि भाई हमारे जो रिजल्ट है वो हमारा कभी खराब करे। तो 30% मतलब 100% स्टूडेंट, जो उनके 30 नंबर होते हैं उनके हिसाब से वो 100% है कि हम अपनी तरफ से बच्चे को 30 में से 28, मतलब आप मान के चलिए 27 से 30 के बीच में आपको स्टूडेंट नंबर मिलते हैं, तो जो 27 मैंने कम कहे हैं, आप मान के चलिए 28, 29 और 30, और ज्यादातर 29-30 में ही ज्यादातर स्टूडेंट देखने को मिलते हैं। तो स्टूडेंट आपसे मैं निवेदन करता हूं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज स्टूडेंट प्रीवियस ईयर पेपर पे कभी इतना ध्यान ना दें, बस आप एक आइडिया ले, निवेदन करता हूं मैं बार बार, ये इसलिए कह रहा हूं कि आप 2025 के लिए बहुत अच्छे तरीके से सावधान हो जाएं और अपनी रिप्रेजेंटेशन स्किल्स को आप अपने बहुत बेहतर करें, प्रॉपर स्टूडेंट्स नोट्स बनाएं, ठीक है, और कमेंट करके स्टूडेंट से जरूर बताएं कि आपने कैसे तैयारी करी थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको किसने हिंट करे थे, कि किस किस किसने ये कहा था कि भाई किसने ये कहा था कि प्रीवियस ईयर से स्टूडेंट पेपर बनता चला आया है और आगे भी फिजिक्स का पेपर। निवेदन करता हूं कमेंट करके स्टूडेंट जरूर बताएं कि भाई कौन है महाराजी जिनने कह दिया था कि भाई फिजिक्स प्रीवियस ईयर पेपर आप लगाइए, बाकी जो आपके 1-14 चैप्टर है 5 और 2 बुक उनको आप छूए, और किसने भी ये बताया था कि आप डेरिवेशन भी मतलब ना करिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप ना पढ़े, आंशिक फोटो इलेक्ट्रिक क्वेश्चन ना पढ़े, सिर्फ और सिर्फ आपने 10 साल की कोई प्रीवियस ईयर की आप एक सैंपल ले आइए वही आप कर लीजिए, उसी में से आपका भला हो जाएगा। निवेदन करता हूं शुड कमेंट में आप जरूर बताएं, और ऐसे लोगों से आप सावधान रहें, निवेदन करता हूं मैं। 2025 में स्टूडेंट प्लीज आप सावधान हो जाइए, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करें, सिर्फ आइडिया ले, बाकी अपने नोट्स जो आपने प्रॉपर बनवाए हैं वो भी स्टूडेंट्स आप बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई करें। बाकी स्टूडेंट मैंने अपनी वीडियोस में क्वेश्चन वगैरह बहुत अच्छे से बताए रखे, आप प्लीज उन वीडियो को स्टूडेंट जरूर देखें और आप ये देखें कि किस प्रकार से स्टूडेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, कंप्लीट द रिएक्शन, ये स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि फिजिक्स में आते ही आते हैं, 2025 में भी पूछे जाएंगे कि ये रिएक्शन है 1H1+1H2, इसको आप ऐसे करके कंप्लीट करिए और क्या मतलब हम प्रॉपर्टी हो रही है, कौन सी रिएक्शन हो रही है, कौन सी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ऐसे स्टूडेंट क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, आइडेंटिफिकेशन एलिमेंट में पूछा जाता है, पूछा रहा है। और मैंने बताया था कि लेंस मेकर फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला से क्वेश्चन रखा था जो कि रखा ही रखा होता है, टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप मैंने बताया था, टेलीस्कोप पे क्वेश्चन स्टूडेंट आता ही आता है क्योंकि ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सीधे सीधे मैं टॉपिक्स पे नहीं, मैं आपको निवेदन करता हूं आपसे अपने नोट्स को आप प्रॉपर अच्छे तरीके से पढ़ते रहें, जो बुक्स पढ़ते हो तो आप पढ़े ही पढ़े, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आप डिपेंड होते जाएंगे तो ये स्टूडेंट्स आपके लिए हानिकारक हो सकता है। आपको हमारी बात को सुनने की स्टूडेंट बहुत आवश्यकता है, बहुत ही गहन अध्ययन करने का। बाकी आपको वीडियो हमारे स्टूडेंट कैसी लगी, हमारे प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट्स आप देखिएगा, मैंने आपको सब कुछ बता रखा है, ऐसे 3 से 4 दिन पहले भी मैंने बताया था कि ट्रांसफार्मर स्टूडेंट्स आप करके जाओ आपको 100% मिलेगा, जो कि ट्रांसफार्मर है 3 जंक्शन डायोड, तो बिल्कुल हलवाई पूछ लिया गया था, जो कि स्टूडेंट पढ़ के गए होंगे अच्छे से डायग्राम अपना। और हाँ, एक और स्टूडेंट 2 तरह के रेक्टिफायर, एक फुल वेव, एक हाफ वेव, मैंने बताया था फुल वेव 90% तो हाफ वेव 10%। फुल वेव रेक्टिफायर आपको पूरा कंस्ट्रक्शन करने को मिला था, आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करने को मिला था, जो कि क्वेश्चन मैंने बताया तो हुबहू स्टूडेंट पेपर में आए। तो मैं निवेदन करता हूं स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को मैं सब्सक्राइब करें, आगे मैं फिजिक्स पर बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो स्टूडेंट बनाऊंगा, जो कि आपके लिए, आप एग्जाम्स के लिए, आपके फिजिक्स बोर्ड एग्जाम के लिए, आपके फ्यूचर के स्टूडेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। निवेदन करता हूं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
वीडियो लाइक करें, शुड परेशान बिल्कुल ना हो, अब जो हुआ सो हुआ, अब आप आगे बढ़े, अपने आगे फ्यूचर में देखें, आगे अपने फ्यूचर के एग्जाम्स को आप अच्छा करें, अपने फ्यूचर को ब्राइट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल हमारे शुड सब्सक्राइब करें ये बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्ते, टाटा, बाय बाय, गॉड ब्लेस ऑल, भगवान आपकी रक्षा करें और आपके स्टूडेंट भी बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आए। थैंक यू सो मच।